अग्निपथ विरोधी आंदोलनकारियों के घरों पर बुलडोजर क्यों नहीं चला रही बीजेपी सरकार? इस आंदोलन को सख्ती से क्यों नहीं कुचल रही बीजेपी की सरकार, जबकि इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, खासकर रेल और अन्य सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है। वरिष्ठ पत्रकार और लेखक प्रोफेसर दिलीप मंडल ने इन सवालों के जवाब तलाशने की कोशिश की है। द प्रिंट के लिए उनके लेख में जो उन्होंने तर्क दिए हैं, उससे आपको ये समझने में आसानी होगी कि सरकार ने ऐसा रुख क्यों अपनाया है। तो आइए शुरू करते हैं। नरेंद्र मोदी और उनसे भी ज्यादा योगी आदित्यनाथ अपने सख्त रवैये और कभी न झुकने वाली छवि के लिए जाने जाते हैं। चंद अपवादों को छोड़ दें तो दोनों ने अपने फैसले विरोध के कारण नहीं बदले हैं। उन्होंने आंदोलनों, खासकर जो हिंसक आंदोलन होते हैं, उनको सख्ती से दबाया है। लेकिन सेना में भर्ती की नई स्कीम यानी अग्निपथ के खिलाफ देश के बड़े हिस्से में भड़के आंदोलन को लेकर इन दोनों नेताओं और बीजेपी की सरकारों का दूसरा ही रूप सामने आया है। इस आंदोलन को सख्ती से कुचलने की बात इस समय कोई नहीं कर रहा, जबकि इस आंदोलन में बड़े पैमाने पर हिंसा हुई है, खासकर रेल और अन्य सरकारी संपत्तियों को काफी नुकसान हुआ है। दर्जनों जगहों पर रेलगाड़ियों को जला दिया गया, पुलिस पर भी पथराव हुए हैं, लेकिन सरकार का हाथ काफी नर्म है। वाराणसी के कमिश्नर सतीश भारद्वाज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये हमारे ही बच्चे हैं, इनको समझाने की जरूरत है। कुछ चुनिंदा हमारे ही ये बच्चे हैं, ये किसी बाहर के बच्चे नहीं है, इनको समझाने की जरूरत थी, इनको समझाया जा रहा है। इनको ये भी स्पष्ट किया जा रहा है कि जो सरकार की नीति है उसमें मात्र 3% अग्निवीर के माध्यम से रिक्रूटमेंट है, बाकी 97% जो रिक्रूटमेंट है वो ट्रेडिशनल रिक्रूटमेंट है, लॉन्ग टर्म का रिक्रूटमेंट है। तो इस तरह की भ्रांतियाँ जो सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे युवाओं के बीच में फैली है, मैं आपके चैनल के माध्यम से, और मैं चाहूँगा कि इसको आप टेलीकास्ट करें कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसके नीति को समझें, पहले सड़कों पे ना उतरें, शांति बनाने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, क्योंकि आफ्टर ऑल ये हमारे समाज के हमारे अपने बच्चे हैं। सर, क्या तैयारी इसकी पूरी थी? अपने सख्त बयानों के लिए जाने वाले यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि सीनियर अफसर मौके पर हैं और वो सभी विद्यार्थियों और अभ्यर्थियों को शांत कराने की कोशिश कर रहे हैं। वीडियो फुटेज होने के बावजूद पुलिस अनजान लोगों के खिलाफ मुकदमे दर्ज कर रही है। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना की घोषणा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेनाओं के प्रमुखों की उपस्थिति में की थी। संक्षेप में कहें तो ये योजना 17.5 साल से 21 साल तक के युवाओं के लिए है। फौज में भर्ती होने पर वे 4 साल तक की नौकरी कर पाएंगे, ये अग्निवीर कहलाएंगे। नौकरी में 4 साल पूरी होने के बाद उनकी सेवाएं खत्म कर दी जाएंगी, यानी कि उनको रिटायर कर दिया जाएगा। बाद में योग्यता के आधार पर उनमें से 1/4 को सेना में पक्की नौकरी दी जाएगी, यानी 75% का पत्ता कट जाएगा। इस स्कीम के सैनिकों को पेंशन भी नहीं मिलेगी। सरकार ने बताया कि इस साल में इससे जो है 46,000 अग्निवीर भर्ती किए जाएंगे, 40,000 लोगों को नौकरी मिलेगी 4 साल के लिए। इस योजना की घोषणा के बाद से ही देश के कई हिस्सों में आंदोलन शुरू हो गए हैं। माना जा रहा है कि आंदोलन वे लोग कर रहे हैं जिनके जीवन का सपना सेना में पक्की नौकरी करना है। इस बीच सरकार और बीजेपी तमाम तरीके से आंदोलनकारियों को समझाने बुझाने में जुटी हुई है। ये समझाया जा रहा है कि ये योजना कितनी फायदेमंद है। स्कीम में कुछ संशोधन भी किए गए हैं। पहले ये योजना 21 साल तक के युवाओं के लिए थी, इसी साल के लिए उम्र बढ़ाकर 23 साल कर दी गई है। इसके अलावा सेवा पूरी करने वाले अग्निवीरों के लिए केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में 10% आरक्षण लागू करने की घोषणा की गई है। उन्हें उम्र सीमा में भी 3 साल की छूट दी जाएगी। सरकार इस विशेष मामले में अड़ियल या सख्त नजर नहीं आ रही। प्रोफेसर दिलीप मंडल इस योजना के गुण और दोष पर विचार करने के मकसद से ये लेख नहीं लिखते हैं, बल्कि वो यहाँ ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इस योजना का विरोध करने वाले लोग कौन हैं और ऐसा क्या है कि सरकार इनके साथ सख्ती नहीं कर रही या नहीं कर पा रही। इस आंदोलन के ताप और इसमें होने वाले हिंसा की प्रकृति लगभग 3 दशक पहले हुए आरक्षण विरोधी आंदोलन से काफी मिलती जुलती है। 7 अगस्त 1990 को तत्कालीन प्रधानमंत्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने मंडल आयोग की सिफारिशों में से एक सिफारिश को लागू करने की घोषणा करते हुए केंद्र सरकार की 27% नौकरियों को अन्य पिछड़ा वर्ग यानी ओबीसी के लिए आरक्षित कर दिया था। इसके खिलाफ उत्तर भारत में बड़े पैमाने पर हिंसा भड़क उठी, जिसमें रेल, बस और सरकारी इमारतों को मुख्य रूप से निशाना बनाया गया।
ये आंदोलन वे सवर्ण युवा कर रहे थे जिन्हें लग रहा था कि आरक्षण लागू होने से सरकारी नौकरियों के उनके अवसर कम हो जाएंगे। प्रोफेसर दिलीप मंडल लिखते हैं कि वो उस दौर में उस आंदोलन के दिल्ली में गवाह रहे हैं और उन्होंने देखा कि उस आंदोलन के प्रति पुलिस और प्रशासन का जो रुख था वो कितना सहयोगी किस्म का था। आंदोलनकारी आश्वस्त थे कि पुलिस उनके साथ ज्यादा सख्ती नहीं करेगी और फायरिंग भी नहीं होगी। ये आत्मविश्वास आंदोलन के उग्रतर होते जाने की बड़ी वजह बना। पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की नजर में ये अपने बच्चे थे। ये बात इसलिए भी स्पष्ट हो गई थी क्योंकि खुद केंद्र सरकार के कर्मचारी खुलकर प्रदर्शन कर रहे थे। मीडिया भी लगभग पूरी तरह से आंदोलन के समर्थन में था। 2022 में भी माहौल कुछ वैसा ही है। पुलिस पत्थर और मार खाकर भी शांत बनी हुई है या बल प्रयोग के एक दायरे में ही किया जा रहा है। इसकी तुलना अगर मोदी सरकार के काल में हुए अन्य आंदोलनों से करें तो 2018 में जब SC ST संगठनों और लोगों ने SC ST एक्ट को कमजोर किए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आंदोलन किया था तो पुलिस फायरिंग में कम से कम 11 लोग मारे गए थे। इसी तरह CNRC और फिर BJP की प्रवक्ता रही नूपुर शर्मा के बयान के बाद हुए आंदोलन पर पुलिस ने जबरदस्ती सख्ती दिखाई और तथाकथित साजिशकर्ताओं को जो उसके आरोपी थे और आंदोलन में हिस्सा लेने वालों के घर और बिजनेस को पूरी तरह से बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया, उसको गिरा दिया। ये चलन इतना चर्चित हुआ कि बुलडोजर को BJP की प्रशासनिक शक्ति का प्रतीक मान लिया कि बुलडोजर बाबा हैं, बुलडोजर जो है वो BJP की शक्ति है और ऐसे जो लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे उनको इससे जवाब दिया जाएगा। लेकिन अग्निपथ विरोधी आंदोलन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? इसकी वजह शायद इस सवाल में है कि भारतीय सेनाओं में कौन है और कौन लोग इसमें भर्ती होते हैं या फिर किए जाते हैं, लेकिन इस बारे में आंकड़े उपलब्ध नहीं है कि सेनाओं की धार्मिक और सामाजिक संरचना क्या है। अमेरिका जैसे देशों में जहां लोकतंत्र पुराना है और स्थायी हो चुका है, वहां सेना अपनी सामाजिक संरचना की हर साल सार्वजनिक घोषणा करती है और इससे राष्ट्र की सुरक्षा को कोई खतरा नहीं होता। वो सालाना डाइवर्सिटी रिपोर्ट को जारी करते हैं और बताते हैं कि सेना में किन वर्गों के लोग शामिल हैं। मिसाल के तौर पर हम सब ये जानते हैं कि 2020 में अमेरिकी रक्षा सेवाओं में 59% श्वेत यानी व्हाइट लोग थे और 13% ब्लैक लोग थे। इसी तरह हम जानते हैं कि अमेरिकी रक्षा सेवाओं में हिस्पैनिक्स यानी कि लैटिनो, एशियन अमेरिकन और नेटिव अमेरिकन कितने हैं। ये डाटा डाइवर्सिटी रिपोर्ट में सालाना तौर पर जारी किया जाता है। भारत में इस तरह की एकमात्र कोशिश UPA 1 के दौरान हुई थी जब अल्पसंख्यकों की स्थिति जानने के लिए बनाई गई सचर कमेटी ने सेना में विभिन्न धर्म वालों की संख्या जानने की कोशिश की थी, मुसलमानों की स्थिति जानने की कोशिश की थी। लेकिन तब सेना ही नहीं बल्कि रक्षा मंत्रालय ने भी इस पहल को खारिज कर दिया था। BJP ने भी इसका विरोध किया था उस समय पर और तत्कालीन रक्षा मंत्री AK एंटनी ने घोषणा की थी कि सेना में धर्म के हिसाब से गिनती की इजाजत नहीं दी जाएगी। इस तरह से ये जानने का मौका चला गया कि भारतीय सेना कितनी समावेशी है। इसी तरह सेना की जातीय संरचना का आंकड़ा भी नहीं है, जबकि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल में आरक्षण लागू किया जाता है और आंकड़ा भी रखा जाता है। उससे तो अब तक कोई दिक्कत नहीं हुई है। सीमा के अग्रिम मोर्चे पर शांति काल में यह सशस्त्र बल ही तैनात होते हैं। जिस तरह से और जिन लोगों ने सेना में धर्म आधारित आंकड़ा जुटाने का विरोध किया, उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि सेना में मुसलमानों की संख्या शायद उनकी आबादी के अनुपात में कम है। TV और अन्य समाचार माध्यमों में अग्निपथ विरोधी आंदोलनकारियों के जो बयान दिखाए जा रहे हैं उसके आधार पर मैं ये अनुमान लगा रहा हूं कि इस आंदोलन में मुख्य रूप से हिंदू ही आगे हैं। यहीं से BJP की समस्या शुरू होती है। BJP की पूरी राजनीति हिंदू मुस्लिम द्वैत यानी कि हिंदू मुस्लिम बाइनरी पर आधारित है। BJP मुख्य रूप से हिंदू आधार वाली पार्टी है, कहें कि सवर्ण आधार वाली पार्टी है जो पूरा का पूरा डिस्कोर्स स्थापित करते हैं, एजेंडा बनाते हैं। अगर आंदोलनकारी मुसलमान होते तो BJP की सरकारों के लिए ये तय करना बेहद आसान होता कि उनके साथ कैसे पेश आना है। एक हद तक दलितों के मामले में भी ये सच है, लेकिन हिंदू आंदोलनकारियों से सरकार उस तरह पेश नहीं आ सकती जिस तरह से वो मुसलमानों के साथ आती है या फिर दलितों के साथ आती है।
दूसरा कारण भी इससे जुड़ा हुआ है। बीजेपी ने जब अपना विस्तार ब्राह्मण बनिया आधार से बाहर नए सामाजिक वर्गों में किया तो वो मुख्य रूप से ठाकुर, राजपूत और किसान जातियों में गई। ये मुमकिन है कि सेना में इन समूहों के लोग अच्छी संख्या में हों और सेना में जाने के इच्छुक लोग भी इन वर्गों से ज्यादा हैं। जाति और समूह आधारित रेजिमेंट की ब्रिटिश परंपरा, जिसे आजादी के बाद जारी रखा गया है, में भी इन्हीं वर्गों के लोग ज्यादा जाते हैं। बीजेपी बेशक इस समय चल रहे आंदोलन से नाखुश है, लेकिन वो इस तरह सामाजिक समूह को नाराज करने का जोखिम नहीं ले सकती। इसीलिए कोई अगर सोच रहा है कि इतनी भारी हिंसा के बाद बीजेपी इन आंदोलनकारियों के घरों पर बुलडोजर चला देगी तो वो गलतफहमी में है। आपका इस बारे में क्या कहना है? प्रोफेसर दिलीप मंडल ने जो तर्क दिए हैं, बीजेपी की पशोपेश को जिस तरह से उन्होंने समझाया है, उस पर आपकी क्या राय है कि क्या सिर्फ दलितों, मुसलमानों के खिलाफ ही बीजेपी का बुलडोजर चल सकता है, लेकिन अपने वोट बैंक, खासकर सवर्ण वोट बैंक को वो नुकसान पहुंचाए बिना, उनको ठेस पहुंचाए बिना इस आंदोलन को शांत करने की कोशिश कर रही है? आपका इस बारे में क्या सोचना है कमेंट में जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित और अजरा। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी दोस्तों, तब तक आप देखते रहिए द न्यूज़ वीक।